आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आपकी पूजा आपके सामने न्यू ब्लॉग के साथ। आ गए हैं अब अपन किचन में और बनाते हैं पोहा। बनाने की सोची है और पोहा मैंने साफ कर लिया है अच्छे से धो के और अभी तेल चढ़ा दिया है। तो गाइस अब अपन बनाते हैं पोहा। पोहा लेंगे आज नाश्ते में। ये देखो अपना पोहा तैयार हो चुका है गाइस। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर और प्याज हल्का हल्का डाल लिया है कि सैलेड भी अंदर जाए अच्छे से। और अभी अपन ये देख के आते हैं मुन्नू को, देखते हैं वो क्या कर रहा है। पूरी लाइट ऑफ वगैरह करके रखता है। ये देखिए अभी ये खाएगा पोहा। खाले और खा के बताना कैसे बने हैं। ये देखो इनका टीवी चल रहा है, ये देखता रहता है। ये छुट्टियाँ आई हुई हैं तो खूब मस्ती करता है। और अपन भी कर लेते हैं अभी नाश्ता। 10:30 बज चुके हैं गाइस। सुबह से मैंने 1.5 लीटर पानी ले चुकी हूँ, तो आप भी रखिए पानी। पानी बहुत ज़रूरी है
ब्लैक कॉफ़ी भी ली है मैंने और पानी खूब पीती हूँ। पानी मैं गुनगुना ही लेती हूँ ज़्यादातर और वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है। आपको कैसा लगता है, जो भी पानी आप लेना चाहो, नॉर्मल भी ले सकते हो, लेकिन फ्रिज को भूलना, वेट लॉस पे है ना, तो फ्रिज का पानी मत पीना, वो अच्छा भी नहीं होता वो। और ये पानी आप ज़रूर गुनगुना पानी ही रखना, आपको अच्छा लगेगा काफ़ी। और अभी अपन नाश्ता करते हैं, पोहा खाते हैं। ये देखिए, और इतना सा लेते हैं, कैसे मैं पोहा लेती हूँ ये देखो, इतना चम्मच में रखती हूँ, फुल चम्मच नहीं रखनी अपने को, और हाफ ही चम्मच है ये। इसमें सैलेड है, प्याज और टमाटर मैंने ऊपर से डाला है, तो फुल चम्मच तो लेने, इतना सा रखना है और इसको 32 बार चू करना है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा चू करके खाओगे तो वेट लॉस ज़रूर ही ज़रूर होगा, कोई नहीं रोक सकता फिर उसको। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे खाती हूँ। ऐसे करके चू करके खाना है और अंदर काउंटिंग रखो मन ही मन में, हो जाएगा। शुरू से 15 से शुरुआत करो, 20 पे पहुंचो, 25 से पहुंचो, अगर शुरू में 32 बार नहीं हो सकता, अगर आपसे हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है, करो गाइस, ज़रूर वेट लॉस होगा इससे, ज़रूर ही ज़रूर। मैंने किया अपना अच्छा खासा, और भी कर रही हूँ मैं और करूँगी आपके सामने ही, देखना आप, तो लगे रहो। तो गाइस, मैंने पोहे का ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, मेरा पेट भर चुका है और अब मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देखते हुए मुझे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मत सोचिएगा कि मैं टीवी देखता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं दिन में करता हूँ लेकिन। तो चलो अभी देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है। ज़्यादातर वो काम में ही लगी रहती हैं, रेस्ट करती ही नहीं है, सुबह से शाम तक काम काम। लंच हो चुका है हमारा, अभी लंच किया हमने, टाइम 2 बज चुके हैं और अभी लंच किए हैं। ये शरारत करता रहता है, ऐसे ही मस्तियाँ चलती रहती है इसकी। अभी लंच हुआ है बस, अभी 2:15 का टाइम हो गया है। लंच में रोटी सब्जी यही बना था, एक रोटी ली है मैंने, 32 बार चू करके ही खाई है उसको, और 1 घंटे बाद ग्रीन टी लूँगी। और पहले भी मैंने जब सुबह नाश्ता किया था तो उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी ली थी, तो गाइस वो ग्रीन टी लेनी ही लेनी है आपने, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है वेट लॉस होने में। और पानी का फुल ध्यान रखना आपने, पानी दिन में 3 लीटर 3.5 लीटर पीना ही पीना है, वो वेट लॉस में काफ़ी मदद करेगा आपकी। और अभी लंच हो चुका है, अब हम थोड़ी देर, मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम के, मुझे कोई अभी तक कोई रेस्ट नहीं किया है, टाइम ही नहीं लगा है सुबह से, अब भी टाइम लगा थोड़ा, 2:30 बज चुके हैं। अभी 1 घंटा रेस्ट करूँगी, फिर मैं अपने ग्रीन टी लूँगी, फिर सिलाई पे बैठ जाऊँगी। तो ऐसे ही चलता रहता गा इस पूरा दिन, काम काम काम, और करना भी नहीं चाहिए इतना रेस्ट, पूरा एक्टिव रहते हैं, पूरा एक्टिव रखो अपनी बॉडी को, वेट लॉस में काफ़ी मदद मिलती है उसमें। अगर आपके पास काम भी नहीं है तो थोड़ी बहुत वॉक कर लो। अब मैं भी थोड़ा सा घूमूंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मुझे नींद आती ही, मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ और फिर सुबह सुबह से शुरू होती हूँ। और ये टाइम आ गया, मुझे अभी तक कोई टाइम नहीं लगा। और ये लड़का है कि टीवी में घुसा रहता सारा दिन, टीवी में कौन घुसता है, कौन घुसता है सारा दिन, टीवी 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 टीवी, ये लड़का सारा दिन टीवी देखता है, इसको गुस्सा ला दो गाइस। अभी इसको देखो, इसको वेट लॉस देखो, कितना अच्छा सा खासा वेट लॉस हो रहा है इसका, इसका वजन ही नहीं बढ़ता, कुछ भी खाए कुछ भी पिए मजे करता है बस, कोई वेट लॉस से इसको कोई झंझट नहीं कुछ नहीं। ये देखो कितना मस्त हुआ पड़ा है,
अरे जिंदगी में मस्त रहना चाहिए, क्या करोगे पतले हो, मौज मारो आराम से रहो। आहा, ये देख लो बीमारियों से बच जाते हैं। अगर मोटे हो जाए तो कितनी बीमारियों के शिकार थी मैं, आज कितना खुश हूँ। अभी मुझे पता है और वेट लॉस करना है, लगी हुई हूँ, करती हूँ कोशिशें, लेकिन देखो गाइस कर पाएंगे, आपके साथ मिलके करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, एक दिन जीत हासिल कर ही लेंगे। इस जैसे नमूनों का मुंह बंद कर ही देंगे एक दिन, देखना मिलके। और गाइस अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमें सपोर्ट करो गाइस, हमें भी आगे लेके जाओ। पता है हमें कुछ आता नहीं है व्लॉग वगैरह बनाना, टूटी फूटी वीडियो बना लेते हैं और आपके सामने आ जाते हैं, तो सपोर्ट करो गाइस हमें। और बाय गाइस।